तो हाय गाइस, मैं शुभम और आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 7S की, जो कि फिलहाल हाल ही में इंडिया में लॉन्च हो चुका है। हालांकि MI एक ऐसी कंपनी जो कि कस्टमर्स को कंफ्यूज कर रखी है कि कौन सा फ़ोन खरीदे, क्योंकि हर एक सेगमेंट में उनका फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च किया गया था, उससे पहले रेडमी नोट 7 लॉन्च किया था, और अब यहाँ पर एक नया वेरियंट लॉन्च हो चुका है जो कि रेडमी नोट 7S है। आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कैसा है फ़ोन, है क्या है फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको रेडमी नोट 7 खरीदना चाहिए या फिर 7S खरीदना चाहिए, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कंफर्म करने वाला हूँ। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इस फ़ोन की और आपको बताते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। हालांकि मेरे पास अभी नाइफ तो नहीं है यहाँ पर मैं इसी से काट देता हूँ इसको। और ये जो वेरियंट है मेरे पास में, जो वेरियंट है वो 3 GB 32 GB वाला वेरियंट है, जो कि फ्लिपकार्ट से आपको 11,000 रुपये कीमत में देखने को मिलेगा। साथ में ये जो कलर है वो ब्लू कलर का वेरियंट है, और देखते हैं कि फ़ोन कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सील कट कर ली है और यहाँ मैंने अनबॉक्स कर दिया इसे। और सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन गाइड देखने को मिलती है, साथ में आपको एक TPU केस देखने को मिलता है जो कि इंडिया में हर फ़ोन के साथ में काम में आता है। और अगली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है फ़ोन, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप, मैं पास में दिखाना चाहूँगा इस दूसरे कैमरे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोन ब्लू कलर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि मेरे पास रेडमी नोट 7 प्रो है जो कि ब्लैक कलर में अवेलेबल है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ब्लू कलर में परचेज़ किया है। तो 2 मिनट के लिए रखता हूँ मैं इसको साइड में और आपको बताता हूँ बॉक्स में और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है वो एक चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है, और ये जो चार्जर है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, मतलब नॉर्मल चार्जर है। हालांकि फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप इसमें फास्ट चार्जिंग मतलब क्विक चार्ज 4.2 का सपोर्ट ले सकते हो और यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक एडेप्टर के साथ में आपको एक USB Type-C केबल देखने को मिलती है, जो कि इस फ़ोन में आप लगा के चार्ज कर सकते हो। इस फ़ोन में, इस बॉक्स में आपको कोई भी ईयरफोन या कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, और साथ में एक सिम एजेक्टर टूल देखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं फ़ोन को ऑन और आपको बताते हैं कि फ़ोन कैसा है। डिवाइस ऑन होता है तो मैं एक फिज़िकल ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ। ये फ़ोन जो आपको दिखाई दे रहा है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ में आता है, मतलब बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी नई डिज़ाइन के साथ में शोमी यहाँ पर ला रहा है। और फ़ोन ओवरऑल एक यहाँ पर एक कोटिंग भी की गई है, इसमें नैनो कोटिंग कह सकते हो या फिर कोई सी कोटिंग कह सकते हो, जिससे कि आपका ये होगा कि ये फ़ोन मतलब पानी वगैरह में अगर आपका गिरता है या फिर पानी वगैरह में नहा लेता है 1-2 बार, तो इसमें पानी का कोई इशू नहीं होगा। मतलब पानी अगर इसमें इनके चला भी जाता है गलती से तो वो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसकी ब्रांडिंग की गई है जो कि इसको सर्टिफाइड करती है कि हल्के फुल्के पानी से इसमें कुछ नहीं होगा। सो ओवरऑल फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे 48+5 mm के लिए 2 कैमरा दिए हुए हैं इसमें बैक साइड में, जो कि आपको देख सकते हो। यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, सिंगल LED फ्लैश दी हुई है। अगर फ्रंट साइड की बात करते हैं, यहाँ पे 13 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी सेल्फीज लेने में कमाल करता है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.3 इंच की Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आती है। अगर प्रोसेसर की बात करोगे तो आपको Snapdragon 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो चुका है। अगर आपको नए प्रोसेसर और नई अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आना है तो आपको रेडमी नोट 7 प्रो खरीदना चाहिए, इस फ़ोन के साथ में नहीं जाना चाहिए। ये फ़ोन आपको तभी खरीदना है जब आपको लोअर वेरियंट या फिर आपके पास में बजट की कमी है बहुत ज़्यादा, तब रेडमी नोट 7 को स्किप करने के बाद में आप इसे खरीद सकते हो। और इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस फ़ोन में आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर चार्जर मिलता है। साथ ही में ये फ़ोन क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.2 को सपोर्ट करता है, तो हालांकि इंडिया में 4.8 अभी अवेलेबल नहीं है और आपको अभी खरीदना होगा क्विक चार्ज 3.2, जो कि आप MI की साइट से खरीद सकते हो। सो ओवरऑल फ़ोन की डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में आपको MIUI 10 देखने को मिलती है, साथ में आपको Android 9.0 देखने को मिलता है, जो कि अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और Android 10 की अपडेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। डिज़ाइन वाइज फ़ोन हूबहू सेम है रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7S, पता नहीं अब कोई नया वेरियंट आ जाए तो वो अलग बात है। और इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट का फीचर दिया हुआ है, मतलब 2 SIM कार्ड या आप इंसर्ट कर सकते हो, फिर 1 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप एक साथ यूज में नहीं ले सकते हो। ओवरऑल फ़ोन कैसा है, फ़ोन ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा वाइज भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। आप कंपेरिजन करेंगे नोट 7 प्रो के साथ में, नोट 7 के साथ में कि फ़ोन कैसा रहता है। हालांकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा अभी फोटोग्राफी नहीं की है इसमें, तो क्विकली मैं आपको एक फोटोग्राफी या फिर फुल रिव्यू, एक इनिशियल इंप्रेशन, सारी चीज़ों का रिव्यू करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून दीजिए आप इस चैनल पे, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोज आने वाली है। काफ़ी टाइम से मैं इररेगुलर था,
वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से रेगुलरता और घर में शादी पता नहीं क्या क्या चल रहता है, तो इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेगी। ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छी है, आपको सॉलिड फील देगा। अगर आप इसको ब्लैक कलर में ख़रीदते हो तो आपको काफ़ी अच्छी लुकिंग देखने को मिलती है। मैं आपको नोट 7 प्रो दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दो फ़ोन दिखा दूँ, नोट 7 प्रो और नोट 7 एस, तो आप पहचान नहीं सकते कि दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सेम बॉडी बिल्ड के साथ में आता है, सेम सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन वगैरह सारी चीज़ें सेम है, केवल प्रोसेसर का फ़र्क है। तो ओवरऑल अगर आपको खरीदना है तो आप ब्लैक कलर में खरीदिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप ब्लैक कलर में ही खरीदे, क्योंकि ब्लैक कलर में ज़्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिलता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।